गुड मॉर्निंग एवरी वन हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा okay, कैसे आप सब सो माई नेम इज़ शारदा गजानन माधेश्वर एंड आई कम फ्रॉम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेरी फॉर्चुनेटली आई आई सिक्योर्ड ए आई आर टू एटी फाइव दिस ईयर तो कई बार अभी बच्चे अभी जो पास हो गए उनसे पूछते हैं कि सी सेट में कैसे करना है जी एस में कैसे करना है अभी तक माइंडसेट था कि सी सेट सिर्फ पासिंग पेपर है इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट आप थोड़ा बहुत कर लेंगे तो हो जाएगा बट इट इज़ नो मोर लाइक दैट सिंस लास्ट टू इयर्स पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया और काफ़ी डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी हो गया कई सारे हैं जो आई में पढ़ते हैं जैसे मैं खुद भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ अच्छा पॉइंटर रहा है मेरा बट मैं भी क्लियर नहीं कर पाई तो हमें ये ध्यान रखना है कि जी और सी सेट अभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है आप जी में बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है बट अगर आप सी सेट ही क्लियर नहीं कर रहे क्या फ़ायदा उसका तो आप पहले ही लिख से आउट हो जाएंगे तो आप सी सेट को बिल्कुल भी बहुत ईजीली नहीं लेना है सी सेट पर भी उतना ही फोकस करना है जितना आप जी पे कर रहे हैं और मैथ्स और इंग्लिश अभी इक्वली इंपॉर्टेंट है ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स छोड़ देंगे इंग्लिश से कर लेंगे या फिर इंग्लिश छोड़ देंगे सिर्फ मैथ्स से कर लेंगे दोनों के साथ थोड़ा बैलेंस बना के चलना है तो ये हुआ सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में काफ़ी लकी थी मैं कि हो गया मेरा और बट मेंस नहीं हो पाया मेंस में सेवेन् थर्टी टू मार्क्स कम थे मुझे कट ऑफ से उसके बाद में मेरी पुनित सर से बात हुई थी आ, जो यहाँ पर है और पुनित सर ने तब से लेकर अभी तक इनफेक्ट uh, यहाँ के सारे टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल है आप कभी भी किसी भी टाइम किसी से रीच आउट कर सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग और सपोर्टिंग थे सभी के ठीक है यार कोई नहीं मतलब नहीं हुआ बट तुम ये सोचो कि तुमने यहाँ तक की जर्नी अच्छी से करिए पहले दो बार prelims से नहीं निकाला अभी मेंस तो कम से कम लिखिए तो हो जाएगा और फोर्थ अटैम्प्ट में होपफुली फिर से मेंस लिखा और एक्चुअली हुआ ये था कि मेंस के पहले और इंटरव्यू के पहले दोनों बार मेरे साथ और बड़ी ट्रेजिडी गई कि मुझे टाइफाइड हो गया और वन एंड हाफ मंथ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी बस सलाइन के भरोसे थी कि सलाइन चढ़ा के बस मुझे खड़ा कर दो पेपर लिख के आना है और टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब जॉइन कर रखी थी बट ऐसे के पेपर के अलावा और पहले जी एस वन टू थ्री फोर के एक एक पेपर देने के बाद मैं एक भी पेपर लिखने के मूड में ही नहीं थी तो ऐसे के पेपर मेरे रिव्यू आ, पुनित सर ने करे और जो जीएस के पेपर्स थे वो विदुषी मैम ने करे थे तो तब तब तक सब ठीक ही था बट क्योंकि फिर बाद में टाइफाइड हो गया सो सब बिगड़ गया बट फिर भी सम हाउ से निकल कर आई वेंट देर पेपर लिखा ठीक ठाक पास हो गई <laughs> और इंटरव्यू कॉल आया इंटरव्यू कॉल आने के बाद मैं तो मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी Uh, सबसे पहले पुनीत सर को गया सर हो गया अभी इंटरव्यू देना है <laughs> सर भी कह रहे थे अच्छी बात है शारदा पिछली बार मेंस नहीं हुआ था इस बार हो गया फिर uh, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया कि uh, सब पूरा अपने डैफ में जो जो मैंने लिखा था पॉइंट टू पॉइंट सब के नोट्स बना लिए इतनी बड़ी फाइल लेकर सर के पास आ गई सर देख लो इसमें से क्या छूट रहा है बता दो <laughs> सर ने क्वेश्चन रिव्यू किए कि हाँ शारदा हो गया सब तो कवर कर लिया आप ज़्यादा भी मत करना ओवर प्रिपेयर नहीं करना है हमें अंडर प्रिपेयर रहो चलेगा एंड उसके बाद दो तीन मॉक्स अटेम्प्ट करें और फिर वही हुआ कि फिर टाइफाइड हो गया और इस बार थोड़ा ज़्यादा सीवियर होगा कि मेरे पेरेंट्स को आना पड़ा और डॉक्टर ने कहा है कि या तो इसकी जिद चलेगी या मेरी सलाइन चलेगी दोनों में से कुछ एक होगा मैंने कहा कि देखो रंकल अंकल बस चार पांच सलाइन दिन में चढ़ जाए चलेगा इंटरव्यू के एक दिन पहले मुझे ठीक जाना है व्हील चेयर पर नहीं जाना है <laughs> और मुझे सिंपत्ति नहीं चाहिए वह जाके किसी की होपफुली uh, इंटरव्यू uh, के दिन तक मैं ठीक थी इंटरव्यू पैनल के सामने जैसे ही मैं गई फिर वही के बहुत बुरा इम्प्रेशन था मैं बैठने गई और चेयर मेरी पीछे चली गई और बहुत बुरी आवाज़ आई मैंने कहा हो गया यही पे माइनस <laughs> चलो <laughs> के कह रहे होंगे बताओ डिसिप्लिन नहीं है कैंडिडेट में कितनी इनडिसिप्लिन लड़की है इतने बड़े इंस्टीट्यूट में मतलब ढोलपुर हाउस में आई है एंड हाउस इज़ बिहेविंग बट पता नहीं उन्होंने जो भी देखा मुझमें शायद ठीक ही देखा होगा कि आई एम हियर टुडे और आपसे ये सब बातें कर पा रही हूँ <laughs> बस आपको अगर इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं और कुछ कहना है सर मिस्टेक्स okay. ओके okay. तो आप सभी फाउंडेशन मतलब स्टार्टिंग uh, ही हुआ है ओके okay, तो uh, जैसे कई सारी मिथ्स हैं यहाँ पर uh, एक एक बताती हूँ विदाउट एनी ऑफेंस टू एनी बडी कि पहला होता है कि कोचिंग आप कर रहे हैं तो कोचिंग अच्छा है या सेल्फ स्टडी अच्छा है तो ऐसा सारी चीज़ें काफ़ी सब्जेक्टिव होती है कि आपको क्या सूट कर रहा है किन लोगों को कोचिंग अच्छा लगता है क्योंकि उनके प्रिपरेशन में थोड़ी कमियाँ होती है किसी किसी को सेल्फ स्टडी से हो जाता है क्योंकि दे आर मतलब कॉन्फिडेंट है उनको पता भी है कि क्या पढ़ना है तो ये मत सोचना कभी कि उनके पास ज़्यादा टाइम है और आपके पास कम जिनके पास कोचिंग है तो और अच्छा बोनस पॉइंट है कि आपको अच्छे मेंटर और गाइड्स मिल रहे हैं यहाँ पर और ये इंस्टीट्यूट सच में मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये एक टाइम पर दो सब्जेक्ट लेते हैं और वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट टू सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं काफ़ी सारे ऐसे भी है जो वन uh, एक ही वीक में सारे सब्जेक्ट करा रहे जो मुझे लगता है कि शायद हर कोई टैकल नहीं कर पाता है फिर भूल जाते हम कि हमने पिछले हफ्ते में जोग्राफी में क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ रहे तो आप काफ़ी बेनिफिशियल पोजिशन में हैं तो इसका बेनिफिट उठाइए और अपने टीचर से मेंटर से हेल्प लेते रहिए ऐसा नहीं है कि बस स्कूल जैसा कि आए सेवन टू ट्वेल्व कर लिया क्लास और चले गए और फिर मजे कर रहे क्योंकि यहाँ पर मिसगाइड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है और इस्पेशली जो जिनके लिए एकदम कल्चरल शिफ्ट हो गया है जो घर से आए हैं दिल्ली दिल्ली काफ़ी मेट्रोपॉलिटन कल्चर है पार्टीज़ नाइट आउट्स फिर घूमने जा रहे हैं ये वो सब तो मुझे लगता है कि इन सब से बचना चाहिए क्योंकि इसके लिए तो हम आए नहीं हैं यहाँ पे और इतना इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं घर वाले तो बेकार में ये नाइट आउट्स और पार्टीज करने से अच्छा है कि पहले पास हो जाओ फिर चाहिए जितने नाइट आउट कर लो घर वाले कुछ भी नहीं कहेंगे जैसे अभी मेरे फादर पहले हमेशा पूछते रहते थे कि बेटा रात को बाहर मत जाना अभी कह रहे कि जो चाहिए कर पैसे कितने चाहिए बता दे <laughs> जब भी मन करे तब बाहर जा जब भी मन करे घर आ जाना <laughs> तो यही है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ वो डिसलॉयल नहीं होना है कि जब तक आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप भी उन के लिए फेथफुल रहिए अपने टीचर्स के लिए फेथफुल रहिए खुद के लिए रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों का एक बार हार्ट ब्रेक हो गया चलेगा तुम्हारा टाइम और अटैम्प्ट अगर चले गए तो वो वापस नहीं आएंगे और ये मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पर के चार अटैम्प्ट देते देते जो डीमोटिवेट हो जाता है इंसान ऐसा लगता है हर रोज लगता था कि बस हो गया नहीं होगा मुझसे और थर्ड अटैम्प्ट के बाद तो मैं सोचने भी लग गई थी कि लाइफ ही तो खराब हो गई बेकार में पापा की बात सुन ली सिविल सर्विस कर लो कॉरपोरेट सेक्टर में कम से कम एक जॉब तो होती मेरे पास और इस दौरान आपकी फैमिली का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके पास फैमिली से मम्मी पापा आपके सपोर्टिव है तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके सोसाइटी या रिश्तेदार क्या हैं कई बार लोग आपको सिर्फ नीचे खींचने के लिए बैठे होते हैं हमेशा पूछते रहेंगे कि आपकी बेटी क्या कर रही है आप क्या कर रहे हो कितने अटैम्प्ट हो गए उनको कुछ लेना देना है नहीं उनको कई बार यू का मतलब भी नहीं पता होता है या फिर एग्ज़ाम कितनी टफ है आ, और जैसे ही आप पास हो जाओगे सब रिश्ते जोड़ेंगे जैसे मेरे साथ हो रहा है अभी फिलहाल मैं किसी के नाम ही नहीं जानती हूँ <laughs> ना मेरे रिश्ते जानती हूँ सब फोन करके बेटा हम तेरे मौसा के हाँ 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 ठीक है ओके ओके, ओके। <laughs> बहुत खुशी हो रही है मैंने कहा हाँ हाँ अभी तक सब कहा बट यही है कि Uh, मैंने रियलाइज़ किया कि वन फिफ्टीन सर कितने बजे आया था रिज़ल्ट वन फिफ्टीन या वन ट्वेंटी के आसपास वन ट्वेंटी टू को सर का कॉल आया था मुझे तो वन ट्वेंटी के आसपास जब रिज़ल्ट आया उससे दो मिनट पहले की लाइफ और उससे दो मिनट बाद की लाइफ में, में मेरे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एकदम इट इज़ लाइक स्पाइक प्रेजिटरी और uh, सर का पी मैंने खोला जैसे ही मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सर्च बार में डायरेक्ट शारदा टाइप करूँ अगर आ जाता मैच नॉट फाउंड तो <laughs> तो मैंने कहा एक एक स्क्रोल करेंगे धीरे धीरे पेशेंस से नहीं दिख रहा है शारदा गजानन नहीं दिख रहा है हो गया हो गया मैं कह रही थी ग्यारह सौ भी चलेगा भगवान बस पी में नाम दिला दो <laughs> और शारदा गजानन दिख गया उतने में सर का कॉल आया सर सर कह रहे शारदा हो गया तुम्हारा मैंने कहा सर से सर पी पक्की है ना फेक तो नहीं है वेरीफाई करके बता रहे आप सर कहते शारदा हो गया जब टाइम मिले तब इंस्टीट्यूट आना ऐसे ओके ओके तो कई सारी चीज़ें जो बदलती है पर इस पूरे जर्नी में कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे आ, कई सारे लोग मिस गाइड करने वाले होंगे दोस्त होंगे रिश्तेदार होंगे या फिर कई बार जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको ग्रेड देंगे कि आप ये करो वो करो बट मुझे लगता है कि एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए और सोर्स हर किसी को पता है कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है और कोई जो और दूसरे ऑथर से उनकी भी रेकमेंड करते तो सोर्स हर किसी को पता है क्या करना है ये भी पता है पर फिर भी हम नहीं करते बस इसीलिए क्योंकि कि किसी और ने कहा है कि किसी और इंस्टीट्यूट का सोर्स अच्छा है हम अगर ए बी सी पढ़ रहे कल को किसी टॉपर ने कहा एक्स वाई जेड अच्छा हम हमारे ए बी सी को छोड़ ही देते तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए और वेरी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने ऐसा नहीं किया मुझे भगवान ने इतनी सद्बुद्धि दी कि मैं स्टार्टिंग टू एंड राव से ही जुड़ी रही मैंने कहा जो भी होगा एक ही सोर्स से पढ़ना है क्योंकि ह्यूमन माइंड की भी काफ़ी कैपेसिटी लिमिटेड है हम इतने ब्रेव नहीं हैं कि एक ही इंस्टीट्यूट मतलब एक ही चीज़ दस सोर्स से पढ़ लेंगे याद भी रखेंगे और फिर प्रोड्यूस भी कर देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है और जो पूछते हैं कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए बहुत सब्जेक्टिव है यार अगर आप तीन घंटे पढ़ सकते हैं तो मेरी कैपेसिटी नहीं है मैं आठ घंटे लगाऊंगी उसको पढ़ने में तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लो आपको जितना लगता है उतना समय ले लो कि ऐसा नहीं है कि बस दो महीने में ही ऑप्शनल कंप्लीट करना है या फिर प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करना है ऐसा भी नहीं है इतना भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है यूपीएससी का यू अनप्रडिक्टेबल ही है यूनियन नहीं है <laughs> तो अभी इवन मैं भी नहीं बता सकती कि अगर मैं अगले साल अटैप दूंगी आने वाला तो मेरा होगा कि नहीं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रखो खुद को जो सोर्स पढ़ रहे हो उसी पर ट्रस्ट करो जैसे राउस के फाउंडेशन के जो बेसिक्स बुक्स वगैरह जो रेकमेंड करते टीचर्स जो पढ़ाते वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता शायद क्योंकि अब क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा है मुझे इसी के बारे में पता है और इसके अलावा इसको सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट जो भी है वो करने के लिए आ, टेस्ट सीरीज़ है या फिर पी है तो पी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए क्योंकि यू पी एस सी विल ऑलवेज बी टू स्टेप्स अहेड ऑफ़ एवरीबडी इवन एवरी इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट हमेशा जो हो गया पेपर उसके हिसाब से पेपर में टेस्ट सीरीज़ निकालते हैं तो टेस्ट सीरीज़ के अलावा आप पी वाई क्यू पर ज़्यादा फोकस करें एक बार पी वाई क्यू कर लेंगे फिर टेस्ट सीरीज़ पे आइए और टेस्ट सीरीज़ में भी ये नहीं सोचना है कि हमें नाइन्टी फाइव ही करके आने हैं क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो उस सिचुएशन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर उस टाइम पे आया कैसे अगर इजी आया आपने नाइन्टी फाइव करे अच्छी बात है आप पास हो जाएंगे अगर पेपर इतना टफ आया है और फिर भी आप नाइन्टी फाइव आप जीत पर अड़े हैं कि नहीं नाइन्टी फाइव करने ही हैं तो इट विल बाउंस बैक मतलब बैकफायर हो जाएगा ये तो कि आप पॉजिटिव में जाने की जगह निगेटिव में चले जाएंगे और आ, मैंने आ, ये हमेशा सुना था पर कभी फॉलो नहीं किया धीड़ बन के रही कि नहीं नहीं करूँगी नाइन्टी फाइव हो मेरे से होगा ही नहीं आई एम सरेंडरिंग मैं इतनी टैलेंटेड हुई नहीं आ, तो थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी नाइन क्वेश्चन ही करे और होपफुली uh, हो गया तो मुझे लगता है कि वो जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है ऐसा नहीं है कि नाइन्टी फाइव कर लेंगे तो एटी करेक्ट हो जाएंगे ज़बरदस्ती ऐसा होता नहीं है तो आप अपने मेंटर्स की हेल्प लीजिए उनका गाइडेंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप कहाँ वीक है कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए आ, बस यही है ये प्रीलिम्स के बारे में और मेंस की अगर बात करें तो मेंस का कोई भी पेपर इजी वे में नहीं लेना है स्पेशली ऐसे और एथिक्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है आ, गलती एक होती है कि ऐसे हम लोग ठीक से समझ ही नहीं पाते कि ऐसे लिखना कैसे कई बार सभी कहते हैं कि ऐसे को एनेकडोट से स्टार्ट करो या फिर किसी स्टोरी या फिर कुछ भी मतलब कुछ यूनिक होना चाहिए पर वो यूनिक एब्रप्ट भी नहीं होना चाहिए ये मैंने रियलाइज़ किया अपने फोर्थ अटेम्प्ट में मैं ऐसे का पेपर लेकर सर के पास आई थी और सर ने चेक करके कहा कि शारदा इसमें तुमको कनेक्शन लग रहा है मैंने कहा तो मुझे तो लग रहा है क्योंकि मैंने ही लिखा है <laughs> 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 तो सर कह रहे तुम्हें लगने से कुछ नहीं होता एग्जामिनर को भी तो लगना चाहिए मार्क तो वो देंगे फिर मैंने तब मुझे बहुत बुरा लगा था कि बताओ सर ने ऐसा कह दिया मतलब इतना बुरा लिखा है कि मैंने अपने दो दोस्तों को पढ़वाया अब वो बेचारे क्योंकि मेरे दोस्त थे वो कहते नहीं शा तूने बहुत सही लिखा है फिर <laughs> बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं हो सकता है अगर सामने वाला इंसान कह रहा है तो हो सकता है ना कि मुझ में खामियां हैं थोड़ा एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है इंसान को अपनी खामियां कोई एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी सबको लगता है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ जो हम होते नहीं हैं तो ऐसे में सर ने काफ़ी हेल्प की तो हेल्प ये है कि आपको समझना है कि ऐसे पूछ क्या रहा है ऐसा नहीं जबरदस्ती गांधी जी से ही स्टार्ट करना है तो वो मैंने किया था और सर कह रहे थे शारदा गांधी जी से सब स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर बोर हो जाएंगे ना गांधी जी अरे यार सब फिर से गांधी जी लिख रहे हटाओ चलो जितने एवरेज मार्क्स है दे दो आगे बढ़ो तो मैंने टेस्ट सीरीज़ में ट्राइड की थोड़ा इम्प्रूव करूँ और सर ने मुझे एक वेबसाइट सजेस्ट की थी बेटर इंडिया जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज आती रहती है कहीं इंडिया में कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं जैसे कोई सिविल सर्वेंट हो कोई एन हो या फिर कोई इंडिविजुअल लेवल पर भी काम कर रहा है तो उसमें वो आते रहता है छोटी छोटी स्मॉल स्टोरीज तो ये आपको कई बार हेल्प कर सकती है तो उसका मैंने हेल्प किया मतलब हेल्प लिया और ऐसे का इस तरीके से आई ट्राइड किए और मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं दो तीन श्लोक याद कर लिए थे मैंने पर ऐसा भी नहीं कि हर जगह श्लोक ही चिपकाना इरेलीवेंट है तो जैसे अस्तोमा सदगमयम जो है तो आप किसी अच्छे नोट पर अगर एंड कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम डार्क टू लाइट मतलब देर इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू माई सब्जेक्ट और वॉट एवर आई हैव रिटन तो ये ऐसे के लिए था और ऐसे में डायग्राम बनाना है कि नहीं ये भी काफ़ी क्वेश्चन करते बच्चे तो मुझे लगता है डायग्राम बनाना है कि नहीं ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव है आप अगर उसको जस्टिफाई कर पा रहे तो बनाइए नहीं कर पा रहे मत बनाइए क्योंकि किसी और ने बनाया था जबरदस्ती थोड़ी है कि आपने भी बनाना चाहिए अगर एग्जामिनर समझ ही नहीं पाए तो वो तो क्रॉस कर देंगे अच्छा खासा इंप्रेशन बिगड़ जाएगा मार्क्स कम आ जाएंगे क्या फ़ायदा उसका तो दिस वॉज ऑल अबाउट एस फिर जो जी एस मेंस की बात है तो अप्रोच अ, सेपरेट नहीं है प्रिलिम्स और मेन्स का मेन्स का और प्रिलिम्स का पढ़ाई साथ में ही होता है तो बस एक गलती नहीं करना है कि अभी एक ही महीना हुआ है और आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ऐसा मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि आपके पास कंटेंट ही नहीं है इतना और जब कंटेंट नहीं है और आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बातें डीमोटिवेट होंगे क्योंकि मॉडल आंसर के आसपास आपका आंसर होगा ही नहीं और यही गलती करते हैं हम सब के मैंने भी किया था स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में कि लिख रहे आंसर और आंसर इतने गलत लिख रहे हैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना रहे हैं एक पैराग्राफ पूरा हाफ पेज से ज़्यादा तो मतलब वो प्रेजेंटेशन भी बहुत बुरा है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले को इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए अगर उसका इंटरेस्ट ही चला गया कि इतना लेंदी है इतना बोरिंग है कौन पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ने वाला तो पहले आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव करिए जब आप बेसिक सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना तब आप अपने आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है जैसे अगर किसी पॉलिटिका क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन के बारे में पूछा है। अगर आप लिख देंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना से निकल कर कुछ लोग बीजेपी में चले गए या फिर कुछ भी तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं आपको बेसिक पूछ रहे तो ऐसा इसीलिए क्योंकि आप पहले बेसिक पढ़िए अब बेसिक पढ़ लेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपको एक्चुअल में लिखना क्या है कि उसके ओरिजिन के बारे में लिखना है उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में लिखना है कुछ जजमेंट्स आई है कि इसको आप हटाइए या इसको इम्प्रूव करिए अमेंडमेंट करिए लॉ में तो उसके बारे में लिखना है तो ऐसा अप्रोच जीएस में रखना है और, और एक बात के कंटेंट जब आप एक बार बेसिक पढ़ लेते तो कंटेंट सबके पास आ जाता है बट उसके बाद बात आती है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं हर कोई उतना ही इक्वली टैलेंटेड और इक्वली डिजर्विंग है बस थोड़े बहुत से कोई अगर आज मैं यहाँ खड़ी और मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा अगर आज नहीं है मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ खास अलग नहीं किया है बस ये है कि शायद मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत अच्छा होगा या कई और आ, मतलब मुझे बोनस पॉइंट्स मिले होंगे और उसे नहीं मिले होंगे तो आप अपने कंटेंट के अलावा प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान उतना ही दीजिए कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं थोड़ी हैंड राइटिंग लेजिबल भी होनी चाहिए कि पढ़ पाए इंसान ऐसा नहीं कि बस लिख रहे हैं और आप दूसरे दिन खुद भी नहीं पढ़ पा रहे कि आपने लिखा क्या है और इसके अलावा आ, सर हमेशा कहते थे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाना है कई बार हम सिर्फ अपना ज्ञान लिखते कि हमें इसके बारे में ये सब पता है हम लिख देंगे पर क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं रहा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पोयम लिखो हम कह रहे हैं ए का ओरिजिन क्या हुआ है अब ये तो गलत बात हो जाएगी तो एग्जामिनर अगर चेक कर रहे हैं तो सर कहते थे कि तुम एग्जामिनर की मेंटालिटी को समझो वो दिन में बीस कॉपी चेक करते हैं अगर तुम ऐसी फालतू बातें लिखोगी तो वो तो हटा ही देंगे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको तुमसे कोई मतलब ये लगाव नहीं है कि तुम्हारा पास होना चाहिए एग्जाम तुम्हारा काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ है ये तुम जैसा प्रेजेंट करोगे तुम पर्सनली वहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं हो तो जो आप लिखेंगे आपकी कॉपी एक्सप्लेन करेगी तो इसीलिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऑर्गेनाइज़ करना यही सब कंटेंट को प्रेजेंट करने की बात है और यही इसी को लोग स्ट्रक्चरिंग कर कहते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इंट्रोडक्शन लिख रहे बॉडी लिख रहे कंक्लूजन सभी लिखते हैं पर और एक बात है जो मैंने रियलाइज़ करी कि मेन्स में जब आप तीन घंटे के लिए पेपर लिख रहे होते हैं आप परफेक्ट नहीं लिख सकते हर एक क्वेश्चन पहले इंट्रोडक्शन फिर बॉडी कंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना कंटेंट आपके पास भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी मतलब कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे आ, जो जी एस थ्री में थे कि उसके बारे में दूर दूर तक तो कोई ख्याल ही नहीं था कि सैटेलाइट के बारे में पूछा था वी एल एस एस ऐसा कुछ था उस स्टेशन के बारे में आप लिखे मतलब कोई आइडिया ही नहीं था उस क्वेश्चन में जहाँ आइडिया ही नहीं है वहाँ पर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन कैसे लिखेंगे लिख ही नहीं सकते तो ऐसे क्वेश्चन को भी डील करते आना चाहिए कि आपको उसको अप्रोच कैसे करना है तो बेसिक बेसिक सा लिख दो अब बेसिक लिखना है पर गलत भी नहीं लिखना है कि ऐसा भी ना लगे उनको कि मतलब बस दिखाना चाह रहा है कि बहुत अच्छा लिखता है पर लिखा सब गलत है तो एक चीज़ मुझे लगती है कि हमें फेक भी नहीं करना है कुछ के बस दिखा रहे दूसरों को कि हमारी कॉपी पूरी भरी है सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड है ऐसा हो नहीं सकता है और सारे ट्वेंटी क्वेश्चन बेस्ट भी नहीं है उसमें से शायद पाँच छः ही होंगे जो बहुत अच्छे हैं आपको उसके बारे में पता है फिर कुछ होंगे जो एवरेज है और कुछ बिलो एवरेज और कुछ बहुत गलत जो शायद सभी के लिए गलत है तो उस टाइम पर मुझे लगता है जो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने गलती करी मैं क्वेश्चन देखकर ही हथियार डाल देती थी कि नहीं होगा मुझे ही नहीं आता है बाकी सबको आता है और ये मैंने फोर्थ अटैम्प में थोड़ा ट्राई किया कि इतना भी कुछ बुरा नहीं है या कमी नहीं है मुझ में अगर यहाँ तक आई हो तो शायद आगे भी चली जाऊँगी अगर मुझे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सभी टीचर्स लोग बच्चों को शायद यही कहते हैं कि जब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो समझ लेना किसी को नहीं आ रहा है तो सभी के लिए वो बाउंसर क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि आपको उसके साथ डील कैसे करना है तो उसी हिसाब से आप आंसर लिखिए कुछ गलत मत लिखिए और एथिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा मेहनत करना उसके लिए आ, इस बार का एथिक्स का पेपर शायद थोड़ा इजी था आ, सब कह रहे थे तो लिखने में आसानी थी आ, बट वही पिछले साल का जो पेपर था जो मैंने दिया था मुझे काफ़ी टफ लगा क्योंकि हर एक केस स्टडी मोर देन वन पेज की थी तो अब जब तक लास्ट पे पहुंच रहे थे पहले क्या लिखा है भूल गए स्टोरी कि क्या पूछ रहे हैं किस को एनालाइज़ करना है किसके पॉजिटिव डीमेरिट्स मेरिट्स लिखने तो आ, कोई ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर करके मत जाना कि हर एक केस स्टडी को वैसे ही डील करना है कि मेरिट्स डीमेरिट्स अननेसेसरी कुछ भी मत करना आ, बस बेसिक बेसिक चीज़ें जिसके बेसिस पे कहते हैं कि मार्क्स मिल जाते हैं सब करते हैं मैंने भी किया हो, हो सकता है आपको भी करने के बाद मिल जाए जैसे कि स्टेक होल्डर्स लिखना है लिख दो बेसिक पर इतना भी नहीं कि मस्त सुंदर सी ड्रॉइंग बना रहे हैं Uh, एक ए रो यहाँ एक रो आप बेसिक सर्कल बनाओ और फास्ट फास्ट लिख दो क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है सोचने के लिए और उस टाइम पे तीन घंटे में बस पेपर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस कर रहे हैं तो आप शायद लिस्ट के बाहर हो जाएंगे जो uh, मैंने थर्ड अटैम्प्ट में रियलाइज़ किया कि मैंने क्वेश्चन पूरे छोड़ ही दिए थे कि आता ही नहीं है इसमें से मुझे कुछ भी नहीं आता हटा दो फिर भी कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा पर मुझे लगता है कि वो बहुत गलत चीज़ है कि कम से कम आप पेपर पूरा अटैम्प्ट करके तो आइए भले ही थोड़ा लिखिए एक दस पॉइंट के जगह एक पॉइंट लिख कर आओ पर लिख कर आओ हो सकता है शायद आधा मार्क मिल जाए और तुम बच जाओ तो इस हिसाब से करना है और ऑप्शनल के लिए भी उतना ही टाइम देना जितना आप जी के लिए दे रहे क्योंकि हर कोई आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से नहीं आता है अगर उनका वो ऑप्शनल अभी है जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और मैंने लिया था पॉलिटिकल साइंस तो कोई टेंथ के बाद में पॉलिटी का कोई कनेक्शन ही नहीं था मेरा तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया समझने में टाइम लग गया उसके बाद में क्वेश्चन आंसर लिखने में टाइम लग गया और लिखते समय भी यही ध्यान रखना है कि जी की पॉलिटी में और पॉलिटिकल साइंस और आयर अगर किसी का ऑप्शनल है उन दोनों के आंसर के अप्रोच में काफ़ी डिफरेंस है वैसे कोई और सब्जेक्ट भी अगर सोशोलॉजी है तो हम सोसाइटी में सोशोलॉजी शायद नहीं डाल सकते क्योंकि दोनों चीज़ों की डिमांड अलग है तो प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर भी अलग ही होना चाहिए तो जो भी आप सोर्स को फॉलो कर रहे हैं या टीचर्स से हेल्प कर मांग रहे हैं तो एक बार ब्लाइंडली उनको ट्रस्ट करके देखना ऐसा नहीं है कि किसी टॉपर ने आज कह दिया आके कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था मैंने तो बस यही है यह कि मेरा हो गया ज़रूरी नहीं है कि आपका भी शायद वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जो मेरा हो या फिर मेरी वीकनेस अलग है आपकी वीकनेस अलग है तो आप अपने अपने चीज़ों पर ध्यान दें मेरिट्स डी मेरिट्स वो स्वॉट एनालिसिस करते कई बार इंजीनियर्स तो स्ट्रेंथ वीकनेस ये अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह तो कर लेना चाहिए कई बार थोड़ा हेल्पफुल होता है आ, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि सामने वाला या फिर मेरे साइड वाला काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूँ और और एक बात है कि टेस्ट सीरीज़ में मुझे कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे हमेशा फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी ऐसे ही मार्क्स मिले थे जी एस की जो मैंने टेस्ट सीरीज लिखी थी प्रिलिम्स का तो बिल्कुल ही मत पूछो <laughs> बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होता था मेरा कि बच्चे जो टॉप कर रहे हैं उनका स्कोर आ रहा है वन ट्वेंटी फाइव वन थर्टी फाइव मैं हाफ़ पर सिक्सटी सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन उसी पर पर फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी जितना बुरा हो जाना हो जाए माइनस सिक्सटी सेवन तो भी चलेगा पर जो मेरा एक्चुअल पेपर है वहाँ पर अच्छा होना चाहिए इसके लिए जिसकी भी हेल्प लेना चाहती हूँ मैं या अभी जो भी मेरे लिए हेल्पफुल है तो मैं कोई भी कसर कम नहीं छोडूंगी कि इतना भी ईगो नहीं रखना है कि किसी की हेल्प मांगने से आपको शर्म लगे कि हम तो बहुत स्मार्ट है हमें क्या ज़रूरत है किसी के हेल्प की ऐसा नहीं है हो सकता है कि अगर किसी ने अच्छा किया हो तो अगर आपको पता चले तो शायद आप वो मिस्टेक ना करें जैसे सी सेट का मैं बता रही हूँ प्लीज़ मिस्टेक मत करना इसको इजीली मत लेना क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद भी अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ कई सारे लोग आई के बाद भी नहीं कर पाते तो सच में वो पेपर चैलेंजिंग है तो आप उसके लिए भी उतनी मेहनत करना और होपफुली आपका हो जाएगा ऑल द वेरी बेस्ट हाँ नोट्स मेकिंग ओके ओके तो नोट्स uh, मेकिंग का अगर है तो मैं थोड़ी सी इसके लिए शायद परफेक्ट नहीं हूँ पर्सन बताने के लिए क्योंकि मैं नोट्स शायद मतलब बनाती नहीं थी मैंने ट्राई किया दो साल पर मेरे नोट्स ही मेरे एक्चुअल नोट्स जितने बन गए छोटे <laughs> छोटे और मैं फिर खुद ही कंफ्यूज हो गई बट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना कि आप पूरी बुक की पूरी चीज़ें नई नोट्स बना रहे पहले तीन चार बार उसको पढ़ लो समझ लो जब पूरा दिमाग में बैठ जाए उसके बाद ही नोट्स बनाना अगर पहली रीडिंग में नोट्स बनाओगे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी कि राष्ट्रकूटा भी इंपॉर्टेंट है फाउंडर भी इम्पॉर्टेंट है उनके भाई भी इम्पॉर्टेंट है पर सभी थोड़ी इम्पॉर्टेंट है उसमें काफ़ी कम चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है तो और अगर जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का बहुत अच्छी बात है कि उसको स्टोरी जैसे याद रखना कि जैसे शेर की कहानी थी बिल्ली की कहानी थी वैसे याद रखना उसमें ना आसानी होती है कई बार हम बहुत स्ट्रिक्ट कर देते ख़ुद को कि नहीं थोड़ा प्रोफेशनल याद रखते पर सभी का दिमाग उतना चल नहीं पाता है उस टाइम पर ना तो अपने हिसाब से चीज़ों को याद रखो किसी के लिए अगर स्टोरी बना देनी है तो स्टोरी बना दो जैसे गवर्नर जनरल के लिए इतने सारे गवर्नर जनरल से कौन किसके बाद आया किसने कितना काम किया टेन्योर क्या था अगर आपको नहीं याद आ रहा है सभी के नाम रख दो अपने हिसाब से रख दो जैसे हेस्टिंग्स वगैरह था तो मैंने बना लिया था हस्को शोवी मतलब खुद के लिए बना बनाया था हंसुश शो भी हंस खुश भी इसका मतलब है हेस्टिंगस कॉन्वेलिस वेलिसली तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है अगर कोई और हंस रहा है तो हंसे अगर मैं पास हो रही हूँ तो क्या फ़ायदा है उसके हंसने का मेरे लिए तो अच्छी बात है ना ये तो ऐसे और ये याद रखने की बात अगर नोट्स बनाने की बात है तो नोट्स आप वही बनाना एक ट्रस्टेड सोर्स से बनाना बहुत सारी जगह पे मत जाना कि जी एस का बना रहे हैं, पॉलिटी का तो बहुत सारी चीज़ें मतलब वो आ, एक डी डी बसु शायद कोई बुक है आ, पॉलिटी की वो भी है और लक्ष्मीकांत भी है तो सभी चीज़ें पढ़ के नोट्स मत बनाना किसी एक ही चीज़ को पढ़ो और फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट लगे उसी का नोट बनाना क्योंकि जो एग्ज़ाम का दिन होता है उससे एक हफ्ते पहले हम बहुत कोशिश करते हैं रिवाइज़ करने की और याद करने की रिवाइज़ हो जाता है पर याद नहीं आता है और एक दिन पहले तक ऐसे लगता है कि सब तो पढ़ लिया अभी याद ही नहीं आ रहा है मुझे ऐसा हो रहा था कि अभी मेंस के पहले सब पढ़ लिया है पेपर भी ठीक ठाक लिख दिए मतलब मैं खुद सेटिस्फाइड थी कि ठीक है कर लूँगी इस बार पर एक दो दिन पहले कुछ भी याद नहीं आ रहा था और मैं ब्लैंक थी और पर सर हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि सर शायद ना वो इमोशनली कनेक्टेड है और समझ पा रहे हैं कि मैं किस इमोशन से जा रही हूँ सर टाइम टू टाइम मैसेज लिखते थे शारदा ओवर थिंक हो, सो जाओ ऐसा <laughs> <laughs> सर ने मैसेज मुझे इंटरव्यू से पहले भी किया था इंटरव्यू के डेट से पहले कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू तुम तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी आए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना ही इंस्टीट्यूट को पड़ता है तुम्हारी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग था मेरे लिए क्योंकि लास्ट टाइम तक आपको पता नहीं होता है कि आप रेस में हैं या रेस के बाहर है और एक चीज़ हुई थी मेरे साथ जब मैं ट्वेल्थ में थी आई आई जेई का प्रिपरेशन कर रही थी और मेरे कोचिंग में एक सर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे उन्होंने मुझसे कह, कह दिया था कि शारदा तुम भागती क्यों हो इतना जब तुमको पता है कि तुम रेस में जीती ही नहीं सकती तो क्यों भागना है यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ दी रेस मतलब वो में कोई कैपेबिलिटी देखते ही नहीं थे और इतने फेलियर के बाद वो बात मुझे सच लगने लगी थी तब मैंने इग्नोर कर दिया था कि सर कुछ भी कह रहे पर जब फर्स्ट सेकंड थर्ड अटैम्प में फेल हो गई थी उसके बाद जब फोर्थ अटैम्प में इंटरव्यू का दिन आया मैंने कहा ये बात शायद सच होने वाली है और सर जीत जाएंगे फिर से और मैं फिर से बैक टू स्क्वायर वन पर यही है कि आप खुद में बिलीव करिए नोट्स बना रहे हैं तो कंसाइज बनाइए रिवाइज करिए पर ओवर भी मत करना कुछ अपने दिमाग को थोड़ा शांति दो कूल डाउन करो और पूरी ये जर्नी है एक्चुअली uh, हमारे लिए जैसा है वैसे देखने वाले के लिए नहीं है शायद हर कोई समझ ही नहीं पाता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं और ये एक्चुअली कैसी डिमांडिंग है सबको लगता है कि 10 ट्वेल्थ जैसी एग्ज़ाम है पढ़ लिया लिख दिया पास हो गया अच्छी बात है नहीं पास हो गए तुम फेलियर हो कोई फेलियर नहीं होता है हर एक अटैम्प्ट हर एक दिन बहुत कुछ सिखाता है जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी Uh, कि अच्छा पॉइंटर आया है अभी तक कॉलेज में अच्छी स्टूडेंट रही हूँ कर लूँगी फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद पता चला कि बहुत शारदा यू आर नॉट इन द रेस ओनली तो तुमको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है काफ़ी हम्बल रहना है और हर एक चीज़ के लिए काफ़ी ग्रेटफुल रहना है आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छी चीज़ें और ट्राई करना कि सारी बुरी चीज़ों से दूर रहो और uh, इतने पूरी जर्नी में स्ट्रेस हर किसी को आएगा मुझे आपको आपको सभी को पर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है साइड वाले के साथ नहीं हो रहा है और उसे भी वैसे ही लगता है और कई बार हम लोग शेयर भी नहीं करते हैं इस डर से या इसकी वजह से कि लोग कहेंगे कि कैसा है हैंडल ही नहीं कर पा रहे मतलब कितना इनकेपेबल इंसान है तो ऐसा नहीं अगर आपके कोई अच्छे दोस्त है या आपकी फ़ैमिली है फ्रेंड्स है टीचर्स है जो आपको समझ रहे हैं उनको बताओ हो सकता है कि उनकी एक दो चीज़ें ऐसी वो बोल दे कि वो आपको मोटिवेट कर जाए जैसे मेरे लिए हमेशा से पुनित सर रहे जब भी बुरा लगता था या लगता था नहीं सर नहीं हो पाएगा स्पेशली टाइफाइड के बाद में मैंने तो कह दिया था सर पता नहीं क्या होगा बहुत घबराहट सी हो रही है सर कह अरे नहीं सरदा कर लोगी कर लोगी तुम तुम्हारी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है और हम विश्वास करते तुम पे भले ही रिज़ल्ट कुछ भी आए तो भले ही रिज़ल्ट कुछ भी आए फिर भी हमें तुम पर नाज है ये बात भी काफ़ी मोटिवेटिंग है जो वन सिक्सटीन तक मुझे नहीं लग रहा था कि शायद काम करेगी पर वन सिक्सटीन के बाद काफ़ी काम कर रही है कल के रिज़ल्ट के बाद तो एन्जॉय करना जर्नी को बीच बीच में ब्रेक भी लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हम मशीन नहीं है रोबोट नहीं है हमको बॉडी को उतना ही ब्रेक चाहिए होता है जितना उसको पढ़ने में हम लगाते हैं अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे बॉडी खुद ले लेगी बीमार होके तो ये मैंने रियलाइज किया कि पढ़ रहे है, दिखा रहे हैं दिखा हैं लोगों को कि हम पढ़ रहे हैं बारह घंटे हर कोई बारह घंटे नहीं पढ़ सकता है एक दिन शायद पढ़ लो एक हफ्ता नहीं पढ़ पाओगे तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना आ, जितना ब्रेक लेना है लो कुछ कॉमेडी देख रहे हो एंजॉय कर रहे हो घूमने जा रहे हो मॉर्निंग वॉक जा रहे हो मैंने अभी सिक्स सेवन मंथ से थोड़ा मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक का स्टार्ट किया था कि कम से कम बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ा कनेक्टेड फील करूँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब बाहर ओ आर एन में निकलते हैं तो एक जंग सी लगती है हर कोई एग्जाम मतलब पेपर देख रहा है हर इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ लगे हैं हर कोई भैया ये कितने का ये कितने का ये बता दो किसकी टेस्ट सीरीज आई है बता दो तो ऐसा लगता है कि मतलब जंग का मैदान है पूरा जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक इंसान बैठा है सब आजू बाजू का फास्ट फास्ट हो रहा है तो इस फास्ट फास्ट के चक्कर में खुद को मिस मत कर देना कि एक थाट है कि इफ़ यू लूज़ योर सेल्फ इन द फ़ाइट यू विल डेफिनेटली लूज द फ़ाइट खुद को लूज़ कभी मत करना और एक पोएम थी जो कहीं से तो मैंने सुनी थी और मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद में मैंने अपने दीवार पर चिपका दी के ता कि ताकि बाकी के भी लोग जो मुझे आके ताने दे रहे वो भी एक बार पढ़ ले उसको <laughs> उसमें लिखा था कि रुडियड किपलिंग की है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड वेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू काफ़ी अच्छी पोएम है उसमें लास्ट में कहते हैं कि सिक्सटी सेकेंड्स वर्थ ऑफ अ डिस्टेंस रन एक बार खुद के लिए लड़ लो ठीक है भले ही रिजल्ट कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा दो दिन बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम पास हुए हो या फेल हुए हो तो बस एक बार ये कोई गिल्ट मत रख देना कि शायद कर लेते तो हो जाता तो ऐसा मैं जब सभी लोग एंजॉय कर रहे घूम रहे पार्टी कर रहे जब बाहर निकलती थी देखती थी कि मैं क्या कर रही हूँ मतलब मेरे दोस्त भी मेरे ही जैसे है बस पढ़ रहे पढ़ रहे अगर किसी का बाहर जाने का मूड कर रहा है कि चलो कॉफ़ी पीने तो मेरी रूममेट कहती थी पागल है क्या पढ़ ले तेरा <laughs> एग्जाम आ रहा है कि पढ़ना नहीं है तुझे और जब उसका मन करता था तो मैं कह देती थी तो मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री था कोई बाहर जाता ही नहीं था तो ऐसा हो गया था बट अभी लगता है कि ठीक है उस टाइम के लिए वो भी ज़रूरी था अगर तभी पढ़ लेते वो टेम्प्रेरी ग्रेटिफिकेशन शायद यहाँ नहीं पहुँचाता मुझे तो खुद को भी कभी किसी से कम मत समझना अपनी तुम्हारी जर्नी काफ़ी अलग है इंस्पायरिंग है सभी के लाइफ में चैलेंजेस अलग है किसी के फाइनेंशियल है किसी के लिए फिजिकल हेल्थ है किसी के लिए इमोशनल है इमोशनल शायद सभी के हैं तो उसके साथ डील करो एन्जॉय करो किसी से बात करो अगर बात करना चाहते हो और ख़ुद के लिए अपनी नई दुनिया सी बना लो जब तक एटलीस्ट जितने अटेम्प्ट है खुद के लिए सिर्फ खुद का टाइम निकाल लो उस टाइम के लिए सभी को दूर कर दो हो सकता है कि तुम पास होने के बाद बाकी वाले जो <laughs> तब तक बाहर चले गए हैं सर्कल से वापस आ जाए जैसे मेरे साथ हुआ था कि सेकेंड अटैम्प्ट के बाद मैंने सभी को ब्लॉक कर दिया था कि मुझे चाहिए ही नहीं किसी का डिस्टर्बेंस तो आ, बाद में मुझे पता चल रहा है कि लोग शादी कर रहे हैं लोगों ने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया जबकि उनके पास मेरे घर के नंबर्स थे उनका कहना था कि इतना मतलब क्या कर रही है अलग कि तुझे हमारे से बात करने में भी दिक्कत है तू दस मिनट भी नहीं निकाल सकती है अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो और अभी जब पास हो गई हूँ सभी का फोन वापस से आ रहा है घर के नंबर पे क्योंकि मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है <laughs> और सभी अभी वापस से के शारदा वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू मैं पता था तू कर लेगी कहा है ठीक <laughs> अच्छा लगा मुझे मैं मेरा अभी एक रिप्लाई सा बन गया है कि आप खुश हैं मेरी खुशी में तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अभी वैसे भी बुरा बोल के अपना मूड क्यों खराब करना है मैं तो बहुत खुश हूँ मतलब मैं तो यही सोच रही थी कि ग्यारह सौ रैंक आएगी मेरी आप टू एटी फाइव आ गई तो शौक सही लगा है अभी भी सुबह उठने के बाद सोच रही थी सब मैंने अपनी रूममेट को उठाया कि एक बार उठ के मतलब प्रेस कर देना मेरे ड्रेस को पर एक बार बता दे कि सच में हो रहा है क्या तो कहती है शारदा आप टाइम पास मत कर नहाने जाओ चलो <laughs> अभी फ्रेश हो लो और निकलो तुमको जाना है तो यही है कि थोड़ा फीलिंग सिंकिंग होने में भी टाइम लगता है जब आप भी पास कर लेंगे आपके भी नए रिश्तेदार बन जाएंगे <laughs> नए दोस्त बन जाएंगे आप भी कल को इसी प्लेटफॉर्म पर होंगे और टॉक दे रहे होंगे तो बस अपनी जर्नी को एंजॉय करो ऑल द वेरी बेस्ट किसी को कुछ पूछना है तो हाँ ओके okay. ओके okay. अच्छा mm -hmm. आप ये वाला अटम देने वाले हैं जून में ओ माय गुडनेस तो टाइम काफ़ी कम है अभी तो तो अभी बेटर है कि पी वाई की उस पर ही फोकस करो क्योंकि अभी टाइम कम है नया एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल समय नहीं है तो पी वाई क्यू फोकस करो और पी वाई क्यूज के एक्सप्लेशन्स की भी काफ़ी गाइड्स आती है तो अगर खुद से एनालाइज़ नहीं कर कर पा रहे तो वो करना और ये मैंने थर्ड अटेम्प्ट में एक किया था कि गाइड ले ली थी जो पी वाई को एनालाइज करने में हेल्प करती है कि ये क्वेश्चन का बेसिक क्या है और इवन ऑप्शंस को भी कि पहले सब जब कहते थे मुझे हंसी आती थी कि ऑप्शंस को क्यों एनालाइज करना जब गलत है पर फिर पता चला कि नहीं ऑप्शन वो देने के पीछे भी कोई वजह है क्योंकि वो भी न्यूज़ में था और वो सब आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए तो उसको भी थोड़ा समझिए मतलब ख़ुद से खुद के टीचर बनना है अभी क्योंकि अभी किसी और की हेल्प लेने का समय नहीं है तो आप ट्राई करिए कि आप पी वाई क्यूस को देख रहे हैं आपका कौन सा एरिया वीक है कि शायद पॉलिटी वीक है या इन्वायरमेंट वीक है तो किस Uh, जगह पे आपको आप अगर थोड़ा सा सोचते हैं थोड़ा भी लगभग आपको थोड़ी सी चीजें याद आती है तो आप राइट गेस कर ले रहे हैं तो वो देखना है अननेसेसरी गेस कहाँ हो रहा है तो जो होता है तुक्का तुक्का मार देना हर किसी का तुक्का नहीं लगता है और वो आ, हर जगह मारना भी नहीं होता है शायद क्योंकि okay. नहीं आपको मैं कह भी नहीं रही हूँ

ना एक्चुअली ऐसा कुछ बेस्ट बुक ऐसा है नहीं मार्केट में ना काफी सारे इंस्टीट्यूट के पी वाई क्यू एनालिस की बुक्स ऑलरेडी है तो आप किसी एक को ही पकड़ लो ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं कह रही हूँ तो आप एक्स वाइज पकड़ेंगे अगर आपको कौन सा पकड़ा था सर <laughs> <laughs> तो मैं नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ा था रिकमेंड सर ने किया था इसीलिए सर से पूछ रही हूँ

So and fifteen to twenty from environment because the Indian forest services exam is also included in it. So try to focus on these areas first. After that you can go for current affairs and other areas. So approach your own Okay, whatever you Yes. Uh, so basically device concepts here, but the problem is remembering the facts and the actual dates or the data. एक्चुअली डेट कहीं नहीं पूछते हैं <laughs> मतलब सॉरी uh, पर डेट uh, नहीं पूछते और जहाँ तक फैक्ट और डेटा की बात है तो डेटा भी ऐसे नहीं पूछते कि 1.8 करोड़ दिया है या 1.82 करोड़ दिया है यूपीएससी uh, का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है तो इसमें आ, फैक्ट ऐसा होगा कि वियना कन्वेंशन इस में साइन हुआ था वियना कन्वेंशन के अंदर ये केमिकल्स बैन है तो वो थोड़ा सा आप ख़ुद को स्टोरी बनाकर याद करवाने की कोशिश करो कि उसके पीछे भी कोई वजह थी जैसे ब्रंट लैंड कमीशन का रिपोर्ट आया तो उसी टाइम पर क्यों आया सेवेंटी टू के आसपास तो उस टाइम पे कुछ हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी उसका उसके साथ कनेक्शन था कि सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं एन्वायरमेंट पर भी फोकस करना है ऐसा सब तो तो ऐसा कनेक्शन है तो वैसा बनाइए और पी वाई क्यूज का ना थोड़ा हेल्प लेना क्योंकि पी वाई क्यूज काफ़ी एब्रब डेटा भी नहीं पूछ रहे आ, जैसे अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया अभी वन टू थ्री इज करेक्ट वन टू करेक्ट नहीं पूछ रहे ओनली वन करेक्ट ओनली टू करेक्ट अपने हिसाब से सोचो और बताओ ऐसा है तो पर उसके पीछे भी वैसे क्वेश्चंस बनाने के पीछे भी शायद कोई वजह है तो उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो थोड़ा के हो सकता है कि तुम खुद से सोच लो कि अभी अगर किसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो जैसे राउस की फॉलो कर रहे हो तो राउज में भी अभी वैसे ही बना रहे होंगे क्वेश्चन ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए तो टेस्ट सीरीज़ पी को साथ में लेके चलो और उसके अलावा बेसिक जीएस के अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्ट रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना हम याद नहीं कर सकते और याद कर लिया तो उस टाइम पे प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सब चीज़ें याद आ रही होती है कि एक साल मेहनत करिए तीन घंटे है जो मेरी लाइफ को डिसाइड करेंगे मतलब मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी पर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे तो ये बात है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये भी मत सोचना कि डेटा और फैक्ट पे हो सकता है आने वाला पेपर फिर से पुराना जैसे हो जाए कि फिर से वन टू थ्री करेक्ट है और तुमको थोड़ा भी अगर आइडिया हो तो तुम एलिमिनेट कर लो तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन बस एक ही है पी वाई क्यू और उसको सप्लीमेंट करने के लिए टेस्ट सीरीज इवन प्रीलिम्स भी और मेंस भी एक नहीं। नहीं। तो मतलब बाकियों का नहीं पता बट uh, मैंने ऐसे एक दो दिन पहले ही थोड़ा सा काम डाउन कर दिया था ख़ुद को क्योंकि वही है कि एकदम ज़्यादा जब प्रेशर आता है चीज़ें याद ही आना बंद हो जाता है मुझे याद आना बंद हो गया था और मैंने सोचा था कि बेहतर है कि अगर मैं थोड़ा शांत रह के थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ तो वैसे करूँगी राजा दन की बहुत टेंशन ले रही और सब गड़बड़ हो रहा है तो ऐसे के लिए जैसे आपने स्ट्रैटेजी बनाई है आप क्वेश्चन पेपर को रिवाइज़ कर लीजिए ऐसे वाले दिन सिर्फ एक ही पेपर होता है सिर्फ ऐसे का तो उससे पहले आपके पास टाइम है आप ऐसे पढ़ लो मतलब ऐसे के लिए पढ़ लो आपने क्या लिखा है क्या किसी ने सजेस्ट किया है नेक्डोट्स और उसके अलावा अगर अभी जब सेकेंड डे में आप आएंगे तो जी एस वन होगा तो मुझे लगता है कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि उस दो घंटे के गैप में आप सब रिवाइज़ कर लोगे आने वाले पेपर के लिए क्योंकि हमारे दिमाग में हमने जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा चल रहा होता है कि जी एस वन में ये लिख दिया बताओ ये लिखना ही नहीं था कैसे क्या <laughs> क्या होगा कितने मार्क्स मिलेंगे तो उस टाइम पर अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कोई चीज़ याद ही नहीं आ रही है तो अगर उसका आपने नोट बनाया है तो अच्छी बात है पढ़ लो पर मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरे कैपेबिलिटी ने जवाब दे दिया था कि शारदा यू कैन नॉट डू इट डोंट डू इट और एक काम अच्छा था कि मेरे फादर हमेशा मतलब पूरे पेपर के टाइम मेरे साथ थे और उन्होंने अप, मेरी बैग अपने पास ही रखी थी कि बस टिफ़िन मिलेगा पानी की बोतल मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा <laughs> बहुत पढ़ लिया बेटा खुद पे थोड़ा विश्वास कर ले अपने भगवान पे विश्वास कर ले तेरे सर ने तुझे बहुत अच्छा गाइड किया तू कर लेगी तो वही किया और इवन जी और जी के लिए भी वही किया क्योंकि जी एस फोर के लिए आप क्या रिवाइज़ करेंगे वो तो एथिक्स का पेपर है कुछ भी पूछ सकते हैं आपको आपके एथिक्स के हिसाब से ही प्रोड्यूस करना है आप उसमें ज़्यादा भी घुमा फिरा के लिख नहीं सकते क्योंकि एक पॉइंट के बाद में आपकी पर्सनैलिटी बाहर आने लग जाती है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं या फिर अगर वैसी ही है तो आप वैसे ही देंगे और ये सिर्फ़ जी के पेपर्स या मेन्स के पेपर्स के लिए ही नहीं होता है ये इंटरव्यू के लिए भी होता है कि वो अंदर जाने के बाद आपको कंफर्टेबल कर देंगे और जब आप पूरा कंफर्टेबल हो जाओगे ना तो आप अपने जैसे किसी नॉन लोगों से बात कर रहे हो मतलब अच्छे एक्सपीरियंस्ड है जो आपसे ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं कंबाइंड तो वो लोग बैठे हैं और आपसे जनरल बात हो रही है तो जब जनरल बात होती है हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और हमारी पर्सनैलिटी बाहर आने लगती है अगर मैं बुरी हूँ तो मेरे आंसर्स में छलकने लगेगा कि मैं बुरी हूँ और वो जब आपके आंसर से ही क्वेश्चन को बनाएंगे कि आपने अच्छा ये पॉइंट बोला था शारदा ठीक है तो आप इसके बारे में बताइए तो वो पकड़ में आ जाता है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा के रिवाइज करना है करना है अननेसेसरीली ख़ुद को जो आप नहीं हो वो बनाना है उससे अच्छा है कि आप जैसे हो जितना आपने पढ़ रखा है रिवीजन करने की सच में ही ज़रूरत है तो करो पर क्योंकि पीयर प्रेशर में नहीं करना है क्योंकि बाकी के लोग करते हैं ऐसा एग्ज़ाम सेंटर्स में बहुत होता है कि लोग पूरी बुक ले आते हैं अपनी सारी साथ में और उसी टाइम पे कुछ लोग आने वाले पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे होते कि ये पढ़ ले ये पढ़ ले और कुछ लोग गए वाले पेपर का डिस्कशन कर रहे होते कि बता मैंने ये लिखा तूने क्या लिखा मुझे ऐसा हो रहा था कि मैंने कुछ नहीं लिखा है प्लीज़ चुप हो जाओ <laughs> <laughs> कि ना मुझे गए हुए पेपर का कुछ याद आ रहा है कम से कम आने वाले पेपर का अच्छा हो जाए मेरा <laughs> प्लीज़ चुप रहो तो इसीलिए खुद का एक स्पेस बना लो जो खुद को लगे अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज़ करना है तो आप नोट्स बना लो पर बहुत ही छोटे बनाना क्योंकि दो घंटे में दिमाग उतना काम नहीं करता है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका होता है आपकी बॉडी जवाब देने लग जाती है हाथों में पेन होता है क्योंकि इतना लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है और एक बात प्लीज़ करना कि लिखने का प्रैक्टिस कर लेना पहले ही ऐसा नहीं हो कि आपने तीन घंटे पेपर लिख लिया और फिर हाथ ही अकड़ गया जैसे एथिक्स का पेपर देने के बाद मेरा हाथ ऐसे हो गया था अब मैं उसको सीधा कर ही नहीं पा रही थी बट uh, मेरे फादर कह रहे थे कि इतना क्या है उसमें मतलब बहुत ग्रेट कुछ नहीं है थोड़ी देर बाद हो जाएगा सीधा <laughs> <laughs> ये नहीं दिखाना है लोगों को कि मैंने पेपर लिखा है मैंने बहुत अलग काम किया है चीज़ों को बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट करो कि तुम बहुत नॉर्मल हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है बाकियों के साथ भी हो रहा है पेन हो रहा है तो मूव लगा लो बॉली लगा लो रिलैक्स रहो जितना और uh, सर भी यही कहते थे कि तुम रिलैक्स रहोगी तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे अगर तुम बेकार में एनजाइटी में हो कंटिन्यूसली पैर शिवर हो रहे हैं हाथ शिवर हो रहे हैं बोल कुछ रही हो पूछ कुछ रहे है अलग तो सब गड़बड़ हो जाएगा अच्छी की हुई मेहनत पे पानी फिर जाएगा इसीलिए खुद के हिसाब से प्लान करो थैंक यू स्टैंडर्ड uh, बुक्स मैंने एक्चुअली जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं पहले उसको पढ़ लिया था uh, मतलब एक बार हिस्ट्री में क्या हो रहा है या फिर पॉलिटी में बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है जब आपको पूरे नोट समझ आ जाएंगे ना कि सिटीजनशिप जो है पहले पांच आर्टिकल्स या जो भी है तो उसके बारे में जब आपको समझ आ जाएगा तब आपको लक्ष्मीकांत भी समझ आने लगेगी तभी तक ऐसे लगेगा कि पता नहीं कितनी बड़ी बुक है कितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस आर्टिकल के इस शेड्यूल में ये है इसके कॉम्पोनेंट्स फीचर्स ये है अमेंडमेंट कैसे हुआ था जैसे प्रियम्बल के लिए है आ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके जो जर्नी है मुझे वो आज तक समझ नहीं आई मुझे हमेशा लगता है कि चंपकम दुरे राजन और शंकरी प्रसाद केस कुछ मिक्स ही है <laughs> दो मेरा पी एस ऑप्शनल है इवन इंटरव्यू से जाने से डेढ़ घंटा पहले मैंने फिर से वीडियो चला के देखी थी कि एक्चुअल केस क्या है और जब मैं इंटरव्यू के लिए बाहर बैठी थी मैं फिर भूल गई <laughs> और मैंने मतलब मैंने सोच लिया था कि जब ये मुझसे पूछेंगे और मुझे जज कर लेंगे कि बताओ पी एस आई आर है और बेसिकी नहीं आता लड़की को <laughs> क्या पढ़ के आई है <laughs> तो इसीलिए आप अपने हिसाब से बेसिक बुक्स को भी अगर रेफर कर रहे हैं तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अप्रोच करना क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बेसिक है आज से ही शुरू कर दो आज से स्पेक्ट्रम पढ़ने लोगों के समझ ही नहीं आएगा कि बैटल ऑफ वेल्यूहल कहाँ हो रहा है और टीपू सुल्तान कहाँ हार रहे हैं कहाँ जीत रहे समझ ही नहीं आएगा ना तो अगर एक बार तुमको क्रोनोलॉजी समझ आ गई तो बाकी चीज़ें भी आसान हो जाएगी आ, मैंने एन मैंने एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी थी टेंथ तक की जो हर कोई पढ़ता है बट uh, हाँ लोग कहते हैं कि पढ़ना चाहिए जिनको कम से कम एक वो होता है कि एक बार बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें कैसी होती है उसके बाद में उसके लिए डीप में पढ़ेंगे तो मैंने वो नहीं किया था बट एनशेंट के लिए जो एलेवेंथ की एन कहते हैं और मिडिवल के लिए फिर उसके बाद की तो वो एन uh, मैंने रेफ़र करी थी और ऐसा भी है कि, uh, किसी किसी सब्जेक्ट की एन यूज़फुल है किसी सब्जेक्ट की एकदम जो बच्चों को समझाने के लिए होती है वो वैसी है अगर जोग्राफी में जाएंगे तो जोग्राफी में इलेवन ट्वेल्थ के एन पढ़ने के बाद भी कई कंसेप्ट है जो उसमें है ही नहीं और जोग्राफी के लिए जो बाहर सोर्सेस है वो एकदम जो, जो जोग्राफी ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए है तो कोई एक बुक भी है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा मैंने हाँ यस वो बुक मैंने ली थी बट पढ़ी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आई आ, तो फिर के अगर आप एक बार एन पढ़ लिए है इलेवन ट्वेल्थ का और आपको क्लास में जो पढ़ा रहे कि कौन सी विंड कहाँ से जा रही है कौन सा ओशन करंट कहाँ जा रहा है अगर वो एक बार समझ लेंगे ना और जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो अपने आप क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी और फिर उसके बाद में सोर्सेज की तरफ मत जाना उसके बाद में सिर्फ जो राउस के क्यू आई पी कराते हैं उनको करना अच्छे से करना क्योंकि काफ़ी अच्छा है यहाँ का एन्वामेंट और यहाँ के टीचर्स ऐसे डाउट मत करना कि पता नहीं इनके बारे में कि कैसे पढ़ाएंगे या फिर जो कुछ पाँच छः लोगों के नाम पता है हमेशा सभी स्टूडेंट्स को बस वही अच्छा पढ़ाता है ऐसा नहीं है हर कोई अच्छा पढ़ाता है बस किसी को फेम मिलता है किसी को नहीं मिलता आपको जो सोर्स मिला है आप उस पर ट्रस्ट करिए उसी को फॉलो करिए यस थैंक यू काफी सब्जेक्टिव है कि अगर आपको घर जाना है यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप घर जा सकते हैं अगर आपको घर में उतना स्पेस मिल रहा है पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है और अगर मतलब मैं तो कोविड की वजह से घर गई थी वैसे जाने का कोई प्लान नहीं था पर उसके बाद मैं दो साल घर रही पर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी उतनी डिसिप्लिन नहीं है या फिर ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं है कि पूरे देश में चल क्या रहा है बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं मैं कहाँ हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कट ऑफ ही हो गया था एक तो कोविड था उसके बाद फिर मैं घर में थी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि थर्ड अटैम्प्ट जब मैंने प्रीलिम्स दे दिया था कि अब मैं दिल्ली जाऊंगी चाहे प्रीलिम्स पास हो ना हो मैं अभी वहां से प्रिपेयर करूंगी वापस राउल में जाके सबसे मिलूंगी तो ये काफ़ी सब्जेक्ट है कि मेरे लिए कुछ काम कर रहा है आपके लिए शायद ना करे तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना दिल्ली में रहने के पॉजिटिव्स भी है निगेटिवस भी है पॉजिटिव है कि आपको पता रहता है कि क्या करना है थोड़ा कॉन्टैक्ट सा बना रहता है बट निगेटिव है कि आप इस भीड़ में खो जाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि सच में करना क्या है और यहाँ पर कंपटीशन से ज़्यादा थोड़ा सा देखा भी है कि लोग कई बार बस आपको गुमराह करने के लिए कहते हैं कि यार 20 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या फिर लाइब्रेरी में ही जाके पढ़ाई होती है ज़रूरी नहीं है कोई रूम पर भी कर सकता है पढ़ाई अगर वो करना चाहे तो या फिर उसका वैसे एनवायरनमेंट हो तो या फिर यहाँ पर पोल्यूशन की दिक्कत है हेल्थ इश्यूज है खाना सभी को सूट नहीं करता है तो तुम लोगों को भी टाइफाइड हो सकता है थोड़ा बच के रहना <laughs> आपके हिसाब से आप अपना मतलब प्लान करो यहाँ रहना है बाहर जाना है थैंक यू तो अब क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो बता रही हूँ पर वन सिक्सटीन के पहले मुझे भी नहीं पता था कि मुझमें क्या क्वालिटीज है जो उनको अच्छी लग रही होगी <laughs> पर और ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्या पूछते हैं ये उन पर ही डिपेंड करता है कोई नहीं बता सकता है बस बेसिक चीज़ें जो आपके हाथों में हैं वो है आपका डैफ जो आप फील करते हैं उसमें चीज़ें लिखी होती है कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है स्टेट डिस्ट्रिक्ट और फिर आपके पेरेंट्स का स्टेट डिस्ट्रिक्ट भी लिखा होता है फिर आपके स्कूल का नाम अगर कुछ यूनिक सा है या किसी रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर के नाम पर है तो शायद उस पर बन सकता है फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे हमारी मेरी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से बिलोंग करती हूँ ताड़ोबा नेशनल पार्क है Uh, तो उसके बारे में पूछा मुझसे और कोल uh, माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्लांट है चंद्रपुर में तो उसके बारे में और फिर नक्सल अफेक्टेड रीजन है तो उसके बारे में तो चीज़ें काफ़ी इंटरकनेक्टेड है पर ज़रूरी नहीं है कि वही पूछेंगे मतलब uh, मैंने जितनी मॉक्स दी uh, दस शेड्यूल की थी पर पाँच ही दी <laughs> तो उस पाँच मॉक्स में मैंने देखा कि वो लोग ट्राई करते हैं कि हर एक एरिया कवर हो जाए आ, अपने हिसाब से वो लोग पूरा आपको प्रिपेयर करने की कोशिश कर देते पर उसके बाद भी वो फिफ्टी परसेंट चांस हमेशा रहेगा कि आपको उसमें से कुछ भी नहीं पूछ रहे जैसे कई ट्रांस ट्रांसक्रिप्ट जो आई थी आ, शायद एक मैंने पढ़ी थी उनको उन्होंने जिन्होंने लिखा था ट्रांसक्रिप्ट ऊपर ही मेंशन कर दिया था नथिंग आस्ट फ्रॉम डेफ तो आपका डेफ उनके सामने है वो पढ़ भी रहे फिर भी पूछ ही नहीं रहे तो आप उनको नहीं कह सकते कि सर मैं तो पढ़ के आई हूँ या पढ़ के आया हूँ आप पूछिए <laughs> जैसे मेरा पूरा इंटरव्यू होने के बाद मेरा इंटरव्यू काफ़ी जोवियल जा रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सरकजम वाला हंस रहे है कि मतलब कैसा हंस रहे या फिर उसी चीज़ पे अटके कि आए बराबर मेरी कुर्सी खिसक गई <laughs> मेरे दिमाग में स्टार्टिंग एंड बस वही था कि शारदा इनके इंप्रेशन ख़राब कर दिया बेटा कुछ नहीं होने वाला है और वो जो सर थे वो कंटिन्यूसली चेयरमैन सर ने क्योंकि एक ही क्वेश्चन किया था आए बराबर के आपको वार्ली पेंटिंग में इंटरेस्ट है वेरी गुड सेम उसकी जैसी एक पेंटिंग का नाम बता दो पहले तो दो सेकंड मुझे समझने में ही लगे कि सच में यही पूछ रहे कि अभी भी वो कुर्सी पे ही अटके फिर याद आ गया पेंटिंग का नाम तो मैंने बोल दिया तो सर कह रहे फिर जो सामने मेंबर थे उनको देख के कह रहे सही कह रहे मैडम कहती है सही रहे <laughs> मैंने कहा ओके फिर कहते अब दूसरी का बताओ <laughs> मैंने दूसरी का नाम गलत बताया और वो मुझे भी पता था कि दूसरी कोई पेंटिंग है ही नहीं <laughs> के फिर मैडम कह रही है कि नहीं सर फिर सर कह रहे नहीं बेटा वो वैसे ही नहीं है थोड़ी सी अलग है मैंने कहा हाँ अलग तो है <laughs> <laughs> फिर सर कहते कि आप ठीक है अब ये बताइए कि अगर वारली पेंटिंग को प्रमोट करना है तो आप क्या करेंगे तो मैंने कहा सर ट्राइफेड का हेल्प लेंगे सर कहते तो ट्राइफेड तो सभी के लिए है ना तो सिर्फ वार्ली के लिए कैसे तो आप उसके लिए क्या करेंगे और कहते अपना आंसर बताना ठीक है गवर्नमेंट ही जो कर रही है वो सबको पता है हमें भी पता है तुम तुम्हारी तरफ से क्या करोगे तो वो फॉर्चुनेटली मैंने एक इंसिडेंट पढ़ा था तो मैंने अपने जो क्वेश्चन आंसर की फाइल बनाई थी उसमें लिखा था कि वारली पेंटिंग के लिए एक कैंपेन हुआ था कोका कोला की तरफ से उन्होंने दीपावली को वारली पेंटिंग से कनेक्ट किया था जैसे वारली पेंटिंग में यूनिटी को दिखाते हैं हमेशा तो दीपावली में भी कि आप अपने घर वालों के साथ दीपावली मनाइए तो उनका टाइटल था कि कम होम ऑन दीपावली और सारी बॉटल्स पे वारली पेंटिंग तो वो एक कैंपेन था तो आ, मैंने वो बता दिया तो शायद शायद उनको अच्छा लगा होगा मतलब पता नहीं कि मार्क्स वो तो मार्क्स आने के बाद पता चलेगा पर क्योंकि उनका स्माइल मुझे देख लग रहा था कि सर शायद सेटिस्फाइड है फिर उसके बाद में सर ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा फिर हैंड कर दिया और मेरा इंटरव्यू मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल uh, साइंस एक में आ रहा था एक में नहीं आ रहा था इलेक्ट्रिकल <laughs> इंजीनियरिंग में सर कंटीन्यूसली पूछे जा रहे थे क्वेश्चंस के हाँ पहले कहते हैं कि आप बताओ कि आप क्या पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई साइड कि सर रीनीबल्स एंड नीवी तो कहते हैं ठीक है रीनीएबल्स पर चालू करेंगे आज से आ, मतलब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा कि स्टेट में आ, कितना परसेंट कंपलसरी होता है प्रोडक्शन रिन्यूएबल से मैंने कहा नहीं पता बोलते पढ़ के आए हो ना मैंने कहा तो नहीं पता नहीं पता सर फिर बोलते ठीक है मुझे लगा आप ठीक है मतलब नया सवाल तो बोलते फिर से सुनो <laughs> वही क्वेश्चन अब याद आ रहा है मैंने कहा नहीं सर नहीं आ रहा है <laughs> और वो कंटीन्यूसली बम्बार्टमेंट हो रहा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हट गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया विंड टर्बाइंस के टाइप बताओ नहीं पता सर हाइड्रो के बताओ नहीं पता सर क्या पता है पढ़ के आए हो हाँ सर पढ़ के तो आए हैं <laughs> फिर मैंने कह दिया सर गिव अप कर दिया सर ट्वेंटी नाइनटीन में ग्रेजुएसन करिए चार साल का गैप हो गया है चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद है और कई सारी चीज़ें याद नहीं है फिर उन्होंने नया अप्रोच किया कि वो मुझे हेल्प करने लग गए हर क्वेश्चन को आंसर करने में कि हाफ क्वेश्चन को मैं अप्रोच करूँगा हाफ क्वेश्चन आप बताइए कि वेक्टर क्वान्टिटीज़ क्या होती है आपको पता है यस बताइए फिर कौन सी होती है मैंने एक बताई सर ने दूसरी बताई तो वो थोड़ा कन्वर्सेशन हो गया क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि बस के चल रहा है क्या आप बताइए आप नहीं आ रहे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं फिर आ, आ, जो दूसरे सर थे वो फुल टाइम मैम मैम करके मुझे ऑर्डर लग रहा था कि सर मैम क्यों कह रहे <laughs> मतलब मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल था भी लोग जब मैम कर थे के आप ही के साथ की हूँ मैं अभी <laughs> बस एक रिज़ल्ट ने मेरी दुनिया बदल दी है तो वही है कि वो क्या पूछेंगे आपको नहीं पता और मुझे लगा कि जब चार लोगों ने पूछ लिया अब आखिरी मेंबर बचे तो कुछ अलग पूछेंगे जबकि उन्होंने सब सुन लिया था कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कुछ नहीं आता है वो फिर से उसी पे गए कि अच्छा आई हर्ड के आपको सोलर के बारे में नहीं पता है तो ठीक है फिर से बात करेंगे इस पर बताइए फिर से सोलर के बारे में के सोलर के माउंटिंग के क्या 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 टाइप होते हैं नहीं पता फिर सर खुद बता रहे थे उनका कहाँ सर थैंक यू आप मुझे बता रहे हैं इसके लिए कि ठीक है आप चंद्रपुर की बात करेंगे कि कोल माइनिंग कैसी होती है माइनिंग माइंस में चोरी हो रही है कोल की मैंने कहा सर हो तो रही है सर कह रहे अरे मैं खुद एक बार चंद्रपुर गया था मैंने देखा लोग सुबह थैले में कोयला भर के लेके जा रहे हाँ तो तुम लोगों ने नहीं देखा कभी मैंने कहा सर देखा तो है हाँ हाँ सर यस सर यस फिर कहते हैं कि अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लास्ट था फिर उन्होंने कहा कि अभी आप बताइए एन के बारे में समझती है एन क्योंकि उसके पहले मैं हर चीज़ को नहीं कह रही थी कि नहीं पता है सोलर नहीं ये नहीं वो नहीं फिर मैंने कहा यस बोलते है वेरी गुड एन पता है फुल फॉर्म बताना कंफर्म करना है मुझे कि वही है कि जो मैं पूछ रहा हूँ <laughs> फिर कहते हैं ओके तो फिर अभी एन घट गए हैं पहले एन बहुत ज़्यादा थे क्या है अभी वैल्यू मैंने कहा सर परसेंटेज पता है थ्री पॉइंट टू बोलते हैं परसेंटेज तो रिलेटिव होता है वैल्यू बताओ कि कितने रुपए <laughs> नहीं पता सर कि ठीक है तो ऐसे पिछले एक डेकेड में क्या चेंजेस हुए गवर्नमेंट की तरफ से कि एन घट गए तो वो फॉर्चुनेटली मुझे पता था और कहते हैं तभी कि ये मेरा आखिरी सवाल है मैंने कहा ओके फिर मैंने आंसर करने के बाद बोलते हैं अभी मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और एक सवाल पूछने में <laughs> क्योंकि तुमने इंसॉल्वेंसी का नाम ले लिया है तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर बात करेंगे तो मतलब ये बिल्कुल आप बोल ही नहीं सकते कि आपको किस चीज़ से पूछने वाले आपके क्वेश्चन के आंसर से ही वो और एक नया पॉइंट ले लेंगे और पूछते रहेंगे तो हो सकता है कि किसी को मतलब मेरे लिए डेफ से ही था मोस्टली और करंट अफेयर्स पॉलिटिकल साइंस एंड आई में ही आ गया पर जरूरी नहीं है कि आप अपना जैसे बहुत बार मैंने लोगों को बोलते सुना है मैं भी जब जाती थी कि आप अपने इंटरव्यू को चैनलाइज कर सकते हैं मुझे लगता है नहीं कर सकते कि आप कितना कर लोगे आप किसी चीज़ पे कितना फोकस कर लोगे अगर वो इंसान ने ठान ही लिया है कि नहीं पूछना है तो नहीं पूछेंगे जैसे सोलर पर उन्होंने ठान लिया था कि पूछना ही है गलत है नहीं आ रहा फिर भी पूछेंगे फिर भी प्रेशर बनाएंगे इन पर तो क्या चैनलाइज कर लिया जब मुझे लगा कि मैं सॉरी बोल दिया तो अब नहीं पूछेंगे बट वो चल ही रहा था <laughs> तो यही है कि किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं है यस थैंक यू

आपके आप पर डिपेंड करता है कि आपका उस सब्जेक्ट पर कमांड कैसा है जैसे यहाँ पर स्वामी सर काफ़ी अच्छा सी सर्ट पढ़ाते आ, हमने भी हमारे टाइम पर भी स्वामी सर नहीं पढ़ाया था और मुझे याद है कि मुझे स्वामी सर की क्लास में कुछ नहीं आता था जो मेरा इलेक्ट्रिकल मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और स्वामी सर मतलब मैं थोड़ा छुप कर बैठती थी किसी के पीछे ऐसे थोड़ा नीचे हो पर सर पूरा इतना लाइवली पढ़ाते हैं कि हर किसी को पॉइंट आउट करते हैं मुझे हमेशा करते थे कि मैडम जी वाई आर यू देर किसके पीछे छुप रही है आप ओल्ड मॉन्क लिया था क्या कल तो इसीलिए मतलब ये तो जोक था पर सी सेट सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं सर वो जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन एयर भी देते हैं तो उसको आप अप्रोच करिए मतलब अगर आपको एक बार बेसिक पढ़ा दिया है उन्होंने बोला है कि ये फार्मूला है फॉर्मूला सर वैसे शायद ही पढ़ाते वो आपको ट्रिक बताते हैं कि चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है कि एक लिमिट के बाद इतना हमारे माइंड में बर्डन है कितनी चीज़ें याद रखोगे फार्मूला कितने याद रखोगे कोई नहीं याद रख सकता यार अभी भी नहीं याद मतलब मुझे भी नहीं याद है और फार्मूला याद होने से अगर सब हो जाता तो सिर्फ इंजीनियर से ही क्वालिफाई होते पर देखा है ना कि कॉमर्स सब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी लोग हैं इसमें तो आपको रिवाइज कैसे करना है फिर वो डिपेंड करता है कि आप कि कौन से एरिया स्ट्रांग है कौन से वीक है आप अगर वीक है तो हर रोज़ सॉल्व करिए अगर किसी चीज़ में आप स्ट्रांग है तो थोड़ा आप गैप ले सकते हैं और जीएस में भी वही है कि वीक स्ट्रॉन्ग खुद को आइडेंटिफाई करना है शॉर्ट एनालिसिस करो खुद का अब क्योंकि मैं यहाँ हूँ मैं बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चीज़ों का एक ही अप्रोच है हो सकता है कि तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी और वो तुम्हारी खुद की होगी और कल को तुम लोग जब यहाँ आओगे तो तुम्हारी मतलब वो जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग होगी और कोई और वहाँ पर बैठ के यही पूछ रहा होगा कि मैडम आपकी इंस्पायरिंग है जर्नी तो सब चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव है रिलेटिव है खुद के लिए क्या सही है गलत है चूज करना है थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज़ हम्म 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 तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि कोई भी करंट अफेयर करंट नहीं है उसके पीछे उसकी एक हिस्ट्री है जो बेसिक पर ही फिर से ले जाती है कि आप जैसे कह रहे कि एंटी डिफेक्शन नहीं आता ऑफकोर्स नहीं आता है वो इंस्टीट्यूट वाले आपको इनिशियल स्टेज में प्रिपेयर करने के वाले क्वेश्चन देते हैं और अगर कोई चीज़ पूछ भी रहे जैसे कि गवर्नर्स का रोल सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या है या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन में डिस्प्यूट्स क्या है अगर वो पूछ रहे तो आप करंट अफेयर्स कितना ही डाल देंगे करंट अफेयर सबस्टेंशिएट कर सकता है करंट अफेयर्स आंसर नहीं बना सकता है अगर मतलब जैसे अभी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस मिट्ट तीन न्यूज़ पेपर हैं तीनों में कुछ चीज़ें होगी जो कॉमन नहीं होगी तो इसका मतलब आप तीनों न्यूज़ पेपर पूरा दिन थोड़ी पढ़ सकते हैं तो अगर वो नहीं पढ़ सकते तो मतलब काफ़ी सिंपल सी बात है कि कई सारे करंट अफेयर्स मिस हो जाएंगे पर बेसिक चीज़ें तो वही रहेगी सेंटर स्ट रिलेशन में फाइनेंशियल होगा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव होगा कुछ लेजिस्टिव होगा उसको आप सब्सटेंशिएट करेंगे कि सर लेजिस्टिव में जैसे अभी फ़िलहाल हो रहा है फार्म लॉस जो कंकरेंट लिस्ट में आता है उसको यूनियन ने यूज़ किया या फिर फाइनेंशियल जो है तो अभी केरला ने जैसे केस कर दिया कि यूनियन से हमें मदद नहीं मिल रही है फ़ाइनेंशियली तो ये बस सब्सटैशियट करना है तो उसके लिए बेसिक फिर से कि आप गो बैक टू योर बेसिक्स ये समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि बहुत गलत बता रहा है जो बता रहा है क्योंकि इतना सारा है पढ़ना इस चीज़ से आंसर बन ही नहीं पाएगा पर आप जब छः सात महीने दे, दे देंगे इस प्रोसेस को जब चीज़ें अपने आप दिमाग में थोड़ा सेटल होने लगेगी तो आप न्यूज़पेपर से कनेक्ट कर पाएंगे कि चीज़ें क्या हो रही है और जैसे ही न्यूज़पेपर की चीज़ें फिर कनेक्ट होने लगेगी तो अपने आप समझ आएगा कि इस जगह पे ये वाला इंसिडेंस लिख सकते हैं सबस्टेंशिएट करने के लिए पर सिर्फ इसी पर आंसर नहीं बना सकते जैसे अगर गवर्नर का कोई इशू हुआ सेंट्रल स्टेट में आप पूरा आंसर सेंट्रल स्टेट का गवर्नर पर नहीं लिख सकते और लिखना भी नहीं है उसमें डायवर्सिटी देखनी है। अगर आप सिर्फ गवर्नर पे लिखेंगे तो शायद आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने वो टॉपिक के लिए है असाइन तो ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भी मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा एवरीथिंग अंडर अंडर सन इज़ करंट अफेयर तुम लोग क्या क्या कर लोगे काफ़ी लिमिटेड रखना खुद को आ, मतलब अगर फोकस पढ़ रहे हो तो बस वही पढ़ो कम पढ़ रहे हो वही पढ़ो उसी में से चीज़ें तोड़ मड़ोड़ कर जैसे जैसे तुम लोग पढ़ते जाओगे

हम उस रेस में लग जाते हैं कि एक साल में ही पहला अटैम्प्ट देना है अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी तो आ, मैंने वो गलती की थी मैं फर्स्ट एक साल का कोर्स करने के बाद प्रिपेयर नहीं थी फिर भी मैंने वो अटैम्प्ट दिया और मतलब मुझे बाद में जब हो नहीं रहा था मेरा तो लग रहा था कि अटैम्प वेस्ट हो गया शायद बचता तो कर लेती तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ट्रांजिशन में टाइम देना चाहिए क्योंकि पूरा जब एटमॉस्फेयर ही अलग है तो हमारे ब्रेन को भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा अननेसेसरी किसी रेस में उसको बैठा देंगे तो कुछ नहीं होगा खुद के लिए टाइम दो थोड़ी चीज़ें समझना आसान नहीं होगा स्टार्टिंग में जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना भी आसान नहीं होता है स्टार्टिंग में आ, फोर फाइव आवर्स पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है पीएचडी करेंगे आज <laughs> पेपर में लगता है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे मैं पहले करती थी मैंने पुणे में प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी वन uh, मंथ और फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मेरा नहीं हो पाएगा फिर मैं दिल्ली आ गई तो मुझे तभी लगता था क्योंकि तब मुझे बताने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सिविल स्टेट सिविल सर्विस का एन्वामेंट था जहाँ मैं रहती थी तो वहाँ के लोगों का अप्रोच अलग था क्योंकि वो एग्ज़ाम भी अलग थी और फिर यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स थे कुछ सीनियर्स वो कहते थे शारदा आज पेपर में ये, ये आया है मैं कहती थी मतलब हाँ आया तो है और मैंने पढ़ के भी रखा है पर अभी याद ही नहीं आ रहा है तो मतलब सब मैं खुद को टाइम ही नहीं दे रही थी और ऐसे लग रहा था आज सर ने पढ़ाया सब याद हो गया अब डायरेक्ट पेपर में प्रोड्यूस करेंगे <laughs> इतना कॉन्फिडेंस था जो एक महीने में ख़त्म हो गया फिर इसके बाद में मैं राउज आई तो मुझे लगता है हमें खुद को टाइम देना चाहिए अननेसेसरी किसी रेस में नहीं भागना है कि दो महीने में एकदम सब नॉर्मल हो जाएगा चीज़ें समझने में टाइम लगता है जैसे स्टार्टिंग में अगर कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट जैसे मेरे लिए इकोनॉमी बहुत डेंजर है आ, मतलब रेड लाइट नहीं आ रहा है कुछ भी हमेशा पढ़ने के बाद भी टैक्स बॉय से समझ ही नहीं आती है तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है अगर इकोनॉमी का क्लास हो भी गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सब समझ आया होगा थोड़ा सा टाइम देंगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आ, आप बोले हम्म 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 मुझे लगता है कि ये चीज भी सब्जेक्टिव ही है क्योंकि कई सारे टॉपर्स है जो कहते हैं कि उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा पर उनके लिए वो डिमांड थी कि उनके पास टाइम नहीं था पर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये मत समझना कि वो वेस्ट है वो सच में इन्वेस्टिंग ही है आप अप, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं दो घंटे लग रहे पढ़ने में स्टार्टिंग में लगेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में कि क्या ज़रूरी है जैसे पेपर की हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं होती किसी ने किसी का मर्डर कर दिया क्या करना है पॉलिटी में मतलब इकोनॉमी में किसी में भी नहीं पूछने वाले तो जैसे एक्सप्लेनड आता है फिर एडिटोरियल आता है ओपेड आता है तो वो चीज़ों में व्यूज़ लिखे होते हैं या फिर एनालिसिस होता है कि इसराइल ईरान वॉर में चल क्या रहा है एक्चुअली तो वो चीज़ें धीरे धीरे जब समझने लगेगी तो फोकस मैगजीन भी आसान लगने लगेगी क्योंकि मतलब मैंने पेपर पढ़ा है हमेशा तो मैं पेपर पढ़ने के बारे में ही बता सकती हूँ मैं कुछ और बताऊंगी तो वो डिसलॉयल्टी हो जाएगी और बहुत गलत होगा तो कई सारे लोग नहीं भी पढ़ते हैं तो वो मतलब उनकी स्ट्रैटेजी शायद कुछ अलग होगी वो उनके लिए काम भी करता होगा पर मुझे लगता था कि एक बार पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा मतलब कनेक्ट रहता है अब क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी पी था तो मैं सिर्फ उसी पर आ, मुझे लगता था कि थोड़ा मुझे खुद से भी एफर्ट्स लगाने चाहिए और अगर किसी का ऑप्शनल पी एस है या फिर आप पॉलिटी या आई आर को भी थोड़ा अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूट्यूब का हेल्प लीजिए जैसे सनसेट टीवी है काफ़ी अच्छा है उसमें जो डिस्कशन डिबेट्स आती है उसमें से व्यू पॉइंट्स पता चलते हैं कई बार हम सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ टिल्टेड होते हैं कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है पर ऐसा नहीं होता है हर एक चीज़ के दोनों साइड्स होते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों अगर पता रहे तो हम जब मेन्स के आंसर लिखते काफ़ी बैलेंस लिख सकते तो यही बात है और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं आ, यहाँ पर तो आई आर के लिए आ, पूरी सर ने क्लासेस ली थी हमारी आ, तो आई आर का बेसिक तो सर ने मतलब जैसे इंसर्जेंसी की वजह स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आ, इसके अलावा जो बेसिक कैपिटलिज्म थियोरी ये वो सब तो बेसिक तो सर ने बता दिया था पर आ, इसका इसके अलावा क्या सोर्स है ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने बस उतना ही किया उसके अलावा मेरा ऑप्शनल ही था तो उसमें काफ़ी चीज़ें मेरी कवर हो जाती थी और जैसे साइंस एंड टेक भी है तो आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा देंगे ग्रेविटेशनल वेव्स, फोटॉन्स ये वो सब हिक्स बोसो पर उसके अलावा वो कुछ भी पूछ सकते हैं तो जैसे फोकस में एक मतलब चैप्टर्स बने हैं ना इकोनॉमी, पॉलिटी ये वो सब तो साइंस एंड टेक उसी में से कर लो अगर फोकस पढ़ रहे हो या कुछ और पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो पर जो पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट कर लो क्योंकि इन्होंने जितना एनालिसिस किया होता है उतना तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि इनकी पूरी टीम होती है और उतना एक एक महीने का हार्डवर्क होता है कितना कितना सर्च करके जब फोकस के बाहर तुम लोग पढ़ोगे तो लिखा होता है कि किन किन सोर्सेस को रेफर किया है पूरी ऐसी लगती है महाभारत ही लिखी है सब सोर्सेज कवर्ड है योजना कुरुक्षेत्र बिजनेस लाइन वो सब तो किसी एक चीज़ को कर लो स्टिक कर लोगे और हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकता है प्रिलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद छोड़ने के लिए ही बने होते हैं कि छोड़ दो अननेसेसरी उसी पे टाइम अपना डालकर वेस्ट मत करो हेलो नो नो ये डिस्कशन मेरा एक्चुअली काफ़ी बड़ी था कि <laughs> इंटरव्यू होने के बाद मैं सर से मिलने आई थी मैं फुल डिप्रेशन में थी कि बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ इंटरव्यू में सर और मैं सर से पूछ रही थी सर जर्नलिज्म में भी कोई चांस है क्या <laughs> <laughs> और सर भी मतलब क्योंकि अब सर को पता नहीं था कि अब सर के लिए तो जो मैं कह रही हूँ वही था जैसे मैं सर के सामने बन रही थी तो सर उसी से के नहीं शारदा हो जाएगा मतलब हाँ जर्नलिज्म में भी है चांसेस <laughs> उसका डिप्लोमा कोर्स होता है <laughs> और मैं रूम पर जाकर फुल टेंशन में थी और मेरी रूममेट्स कह रही है कि शारदा सब ठीक तो हुआ था मतलब अभी तक तो ठीक थी बहुत हंस हंस के जा रही थी कि पुनित सर से मिलने जा रही हूँ सर को बताकर आऊँगी कि सर फाइनली हो गया एक बार टेंशन ख़त्म और अभी मैंने कहा यार जर्नलिज्म भी करनी है के अभी तो कहते हैं अभी करनी है यानी कहा हाँ मतलब क्योंकि शायद 1100 नहीं है 1101 एक आ जाए तो रिजर्व कैट मतलब रिजर्व लिस्ट में चले जाएंगे और कुछ नहीं है क्योंकि मेरा प्लान भी था ही नहीं कभी और मुझे लगता है शायद नहीं था इसीलिए शायद थोड़ा अच्छा भी हुआ क्योंकि वो दो दो चीज़ें दिमाग में चली नहीं <laughs> तो यार वो प्लान भी होना चाहिए कि नहीं वो तो वैसे हर एक चीज का आंसर सब्जेक्टिव ही है <laughs> आप ही पे डिपेंड करता है और कुछ पूछना यस यस थैंक यू अच्छा तो डेली मोटिवेशन सब्जेक्टिव है <laughs> <laughs> क्योंकि अच्छा पर मोटिवेशन मुझे लगता है शायद एक ही दिन हो सकता है और अननेसेसरीली खुद को बर्डन भी नहीं करना है कि मोटिवेट ही रहना है हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकते हैं आप मतलब ट्राई हर कोई करता है कि सुबह उठ के अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़े अच्छे कोर्स पढ़े अब्दुल कलाम जी की चीज़ें पढ़ ले पर नहीं हो सकता है और वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि थोड़े डाउंस आएंगे थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा आएंगे तो उस हिसाब से उसको डील कर लो क्योंकि ये आपकी पूरी जर्नी का पार्ट है और सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है सबके साथ हो रहा है तो वो होता है सम दुखी मिलते हैं बात करते है, कर लो <laughs> आप किसी और से शेयर कर रहे हैं कोई और आपसे शेयर कर रहा है इंटरेक्शन कर लो कि हाँ अच्छा नहीं लग रहा है ओके कोई बात नहीं अच्छा लग जाएगा और यही मोटिवेशन है यही सोचना यार के अगर प्लान भी है अच्छी बात है मेरे जैसे हो प्लान भी है ही नहीं तो क्या कर लोगे यही करना है कर लो कम से कम छः अटैम्प्ट है तुम्हारे पास और फिर कुछ अच्छी मूवीज आती है जैसे ट्वेल्थ फेल उसमें दिखाया था फोर्थ अटैम्प्ट में हो गया मेरी मम्मी वही पे खुश के मेरी बेटी का भी फोर्थ अटैम्प्ट हो जाएगा और मैं कह रही थी मम्मी सभी लोग वैसे नहीं होते हैं सबका फोर्थ अटैम्प्ट में नहीं हुआ मेरे पर प्रेशर बिल्डअप होने लग गया था होपफुली हो गया वो तो काफी खुश है कि ट्वेल्थ फेल से ही हुआ है <laughs> <laughs> और कुछ पूछे थे आप ओके okay, हाँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो एक बार आपका कंटेंट बिल्डअप हो जाए आप आ, लिखना स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चरिंग गलत है कंटेंट ही कम है या गलत है या और एनालिसिस अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो सर की हेल्प लीजिए मैडम मतलब जो भी है अवेलेबल किसी से बात करिए आप हमेशा खुद को एनालाइज़ नहीं कर कर पाते क्योंकि खुद की कमियाँ कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है तो अगर कोई सामने वाला बताता है तो थोड़ा समझ में आता है थोड़ा स्टार्टिंग में होता है कि नहीं मैं एकदम परफेक्ट हूँ फिर धीरे धीरे पता चलता है कि तुमसे ज़्यादा इम्परफेक्ट इंसान नहीं है <laughs> और तो इसी के लिए किसी की हेल्प लो और जो आपकी हेल्प करे उसके लिए ग्रेटफुल रहो अगर सही बता रहा है ऐसा भी अगर कई कभी किसी दोस्त से बात कर रहे हैं एकदम ही चीज़ें बता रहे हैं तो उससे दूर रहना है कि इतना भी एब्रप्ट नहीं हो सकता है कुछ थोड़ा खुद के प्रिपरेशन पर भी ट्रस्ट होने लगता है जब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं चीज़ें सिंकिन होती है थैंक okay, यू और कुछ बचा है सर हो गया ओके थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट